हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देसी बॉय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बॉय फार्म। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि भाई इस साल जो सबसे अच्छी फसल रहने की उम्मीद है वो कहाँ की है, तो इसी सिलसिले में मैं आपको संभल लाया हूं। संभल जो कि एशिया में पहला नंबर रखता है अपने वेजिटेबल उगाने के मामले में, और संभल में जो सबसे बड़ी फसल मानी जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आलू ही माना जाती है। साल में जो इंतज़ार करता है ना किसान, वो आलू का, यहाँ का जो किसान है संभल का, वो आलू का इंतज़ार करता है पूरा साल कि कब हमारे आलू उगेंगे, कब कूदेंगे। तो इसी सिलसिले में मैं आपको आज एक खेत पर लाया हूँ, फार्म पर लाया हूँ, जहाँ पर मैं आपको सीधी आपकी बात फार्मर से कराऊँगा कि भाई इस साल क्या कंडीशन है आलू की, या क्या प्राइस रहने की उम्मीद है, या वगैरह वगैरह। तो चलिए मैं आपकी सीधी बात कराता हूँ किसान से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं। तो ठीक है, चलिए। तो चलिए सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद आरिफ, मोहल्ला तस्तपुर, मियाँ सराय, डिस्ट्रिक्ट संभल का रहने वाला हूँ। तो आप बताएं कि इस साल जो आलू की पैदावार है वो कैसी रहने वाली है, या जो इसका रेट है वो कैसा रहने का अनुमान है? देखिए पैदावार तो लगभग चिप्सोना में तो बहुत कम रहेगी इस साल, और जो हाईब्रिड है संभल में इस साल जो है हाईब्रिड लगभग 65-70% लगा हुआ है, और ये चिप्सोना सूर्या जो 37-97 है ये लगभग 25-30% है, जिसकी वजह से रेट भी बहुत कम है। हाईब्रिड के अंदर जो आलू की खुदाई चल रही है, संभल का आलू मंडी के अंदर नंबर एक पर बिकता है पूरी ऑल इंडिया में, कहीं को भेज दो आप। तो इस समय जो रेट चल रहा है आलू का वो क्या चल रहा है, जो कौन सा आलू खुद रहा है इस टाइम? आलू जो खुद रहा है वो हाईब्रिड यानी कि कुफराज, मोहन, H1 हाइब्रिड की जो वैरायटी होती है वही खुदती है इस टाइम सिर्फ। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये सामने कोल्ड स्टोर बने हुए हैं, मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, ये सामने कोल्ड स्टोर है बने हुए। तो आप अपना आलू कोल्ड स्टोर में रखेंगे या नहीं रखेंगे, रखते हैं आप या नहीं रखते? हाईब्रिड तो हम ज़्यादातर 90% खेत पर ही बेच देते हैं, और ये चिप्सोना जो सूर्या होता है ये हम, और ये 37-97 ये कोल्ड में जाता है, और थोड़ा बहुत बेच भी देते हैं, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक बात बताएं, ये जो किराया लेते हैं आपसे, कितने किलो का क्या किराया लेते हैं? तो ये इन्होंने तो लूट मार मचा रखी है कोल्ड स्टोर वालों ने, तो सब चालू चोर बैठे हैं, लगभग 150 किसी से बड़े किसान होते हैं तो उनसे 100 रुपये किराया लेते हैं, और जो छोटा किसान होता है उसे 30 देते हैं, 150, 160, 170 रुपये तक का किराया ये लोग लेते हैं। ये संभल के लोगों पे जुल्म करते हैं, और बड़े लोगों का किराया 90, 80, 100 रुपये लेते हैं। अच्छा, तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके खिलाफ़ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तो बस ये इसी वजह से होता है कि उनके कट्टे ज़्यादा होते होंगे अमीर लोगों के, और गरीब के थोड़े होते होंगे, उससे मर्जी माफी किराया लेते होंगे ये लोग। आवाज़ तो देखिए बहुत ज़्यादा उठाई थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है इनके बारे में, और इस साल भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1-1 लाख कट्टे तो बुक हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता? नहीं सुनता साहब। तो आप इस साल क्या करने का इरादा आपका, क्या करेंगे, कोल्ड स्टोर में रखेंगे या बेचेंगे? नहीं, कुछ तो कोल्ड स्टोर में जा गई चिप्सोना जो है, और ये हाईब्रिड जो है जब भाव तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, देखते हैं अभी जब कोल्ड स्टोर खुलेंगे 15-16 तारीख से, जब इनके उद्घाटन हो जाएंगे तो जब ही पता चलेगी, क्या असली रिपोर्ट तो जब ही निकल कर आएगी ना, लेकिन इस साल जो चिप्सोना में लगभग जो जाचा जा रहा है इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, क्योंकि चिप्सोना की वो पैदावार नहीं निकल पाएगी जो लोग सोच रहे हैं। तो भैया इस कंडीशन में जो आज की डेट में रेट है, क्या इस रेट में किसान को मुनाफा होगा या फिर घाटे में जाएगा? मुनाफा की तो छोड़िए, पैसे पूरे करने भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इस साल कम से कम 20-25 क्विंटल की पैदा हो रही है बस, बहुत अच्छे आलू जो निकल रहे हैं वो 25 क्विंटल के, हल्के आलू बस 15-16-17-20 तक, और टॉप क्वालिटी के जो आलू हैं वो 25 क्विंटल, जो कि 35-30 क्विंटल की पैदा होती थी, पैदा तो पे तो असर है, लेकिन संभल में इस साल आलू कुछ ज़्यादा ही लगा है और फसल भी अच्छी है। लागत आ जाती है इसमें 1 एकड़ में या 1 बीघे में कितनी लागत आ जाती है आलू में, ये बताएं?
एक एकड़ में लगभग 60,000 से 65,000 रुपये बीघा, जिस टाइम आलू बोए जाते हैं उस टाइम लग जाते हैं, और 1,000-1,500 रुपये बीघा की लागत ऊपर से आ जाती है। तो टोटल में कितनी लागत आ जाती है? लगभग 70,000-75,000 रुपये पर एकड़। और इस समय आलू जो बैठ रहा है, एक एकड़ में कितना आलू बैठ रहा होगा, कितने पैसों का हो रहा होगा इस टाइम? इस टाइम तो मुश्किल से एक एकड़ में हो रहा है 50,000-45,000-55,000, ज़्यादा अच्छे आलू हैं तो। तो इस समय किसान घाटे में है लगभग, कितने प्रति एकड़ कितना नुकसान होगा इस टाइम? लगभग 25,000 रुपये प्रति एकड़ के नुकसान में। हाँ, तो ये बताएं कि इस साल जो वैसे कुदरती तौर पे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है ना आलुओं में? इस साल ठंड तो बहुत पड़ी है जिसके कारण आलू मोटा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चिप्सोना में खास करके कम पैदावार देखने को मिलेगी। और रही बात कुफराज हाइब्रिड की, उसमें भी पैदावार कम ही आती जा रही है। तो आपका जो ये आलू है ये कितने दिन का हो गया? ये लगभग 100 दिन का आलू हो गया चिप्सोना, लेकिन इस तरीके के खेत बहुत कम हैं। ज़्यादातर खेतों को चिल्ला पाला मार गया, क्योंकि 17-18 तारीख में जो पाला पड़ा था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आप आलू दिखाएंगे खोद के, कितना कितने दिन का आलू हो गया और कितना मोटा हो गया? देखिए, दिखाइए। एक पेड़ के आलू हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस कंडीशन में जैसे ही आलू निकले हैं एक पेड़ पे, क्या अनुमान है कितने क्विंटल की पैदा हो जाएगी या कितने कट्टे की पैदा हो जाएगी? ये तो लगभग बहुत अच्छा खेत है। इस तरह के खेत लगभग एरिया में देखे जाएंगे तो 10-15% देखे जाएंगे, वरना और भी एक खेत बराबर में ये भी देख लेते हैं, इसमें प्रोटेक्शन बहुत कम है। तो ये जो आलू हैं, जो ये हैं आपके आलू, इसमें आपको क्या अनुमान है, इसमें भी पैसे पूरे हो जाएंगे, इसमें भी पैसे पूरे? अभी तो इसका कोई भाव आया नहीं है मार्केट में, चिप्सोना में क्या भाव है क्या नहीं, ये तो मील खुलेंगे जब इसका भाव बनेगा, जब ही पता लग पाएगी। लेकिन चिप्सोना में तो मुश्किल से घाटे हो पाएंगे, क्योंकि चिप्सोना में इतना घाटा नहीं हो पाता। तो ये भी आपका है? ये भी हमारा ही खेत है, दूसरा खेत है जी। इसमें भी दिखाइए आलू कैसे हैं, कितने हैं आलू? एक पेड़ मारिए, ये आलू अभी मोटा बहुत कम है उसके मुकाबले, उस खेत के मुकाबले। ये देखिए, इस खेत में तो केवल गुल्ला ही हुआ है, ऐसे खेत ज़्यादातर खेत इसी तरीके के हैं। तो भाई ऐसे तो बहुत नुकसान होगा अगर ये आलू मोटा ना हुआ तो, गुल्ला ना आलू तो फिर तो बहुत नुकसान होगा। इस खेत में तो ना पाला भी मार गया था, और जो 17-18 तारीख में जो बर्फ पड़ी थी, जो पाला पड़ा था, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। खेत देखिए, ये तो और भी ज़्यादा डेंजर लग रहा है, इसकी तो और भी हालत ख़राब है। ये हाइब्रिड आलू है, हाइब्रिड तो मरता मरता भी 20-25 क्विंटल का हो ही जाता, 15-20 क्विंटल का। ये चिप्सोना है जो है, अगर इसकी तो 4 महीने। ये हाइब्रिड है, ये दिखाइए। देखो, बारिश की वजह, ठंड की वजह से इसमें भी कोई ज़्यादा फुलाव नहीं है। ये देखिए, पेड़ का आलू तो बहुत है, अच्छा आलू है, लेकिन ये मोटी मिट्टी का आलू है, ये मील पे ही खुदता है, क्योंकि रेतीली ज़मीन इस एरिया में कम है और इलाकों में बहुत ज़्यादा है। संभल का आलू इस टाइम जो आजादपुर मंडी में जा रहा है, वो रेतीले आलू की ही मांग है। रेतीले
खाते से मतलब कुछ फर्क हो जाता है आलू में? आलू में कलर आता है बहुत ज्यादा शाइनिंग, सोने की तरह कलर होता है उसका। तो ठीक है फिर। ठीक, तो भाई बताएं कैसी लगी आपको ये जानकारी। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर क्लिक करें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। शुक्रिया, धन्यवाद।